बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अवैस वीज़ा टी वी यूट्यूब चैनल पर। मुतहदा अरब अमीरात NCEMA नेशनल अथॉरिटी एमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। UAE में कोरोना वायरस केसेस में तेज़ी के साथ कमी हो रही है, जिसके बाद कोरोना वायरस से लगी हर किस्म की पाबंदी को दर्जा ब दर्जा ख़त्म किया जा रहा है। आज की खबर काफ़ी अहम और गुड न्यूज़ है। UAE फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि UAE की 7 रियासतों में ओपन प्लेसिस आउटडोर में अब मास्क डालना ज़रूरी नहीं है। UAE गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर दिया है, आपकी मर्ज़ी होगी मास्क डालें और आप ही की मर्ज़ी होगी कि ओपन प्लेस खुली जगहों पर मास्क ना डाला जाए। यह सहूलत दुबई, अबू धाबी, शारजा, रसूल खैमा या किसी भी UAE रियासत में आप मौजूद हैं, अब आपको खुली जगहों पर मास्क डालना लाजमी नहीं है, लेकिन क्लोज प्लेसिस जैसा कि इबादतगाहें, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाउस, ऑफिस वगैरह में मास्क डालना अभी भी लाजिम है। मास्क ना डालने के चार्जिस 3,000 दिरहम फाइन होगा। ओपन प्लेसिस आउटडोर से मुराद खुली जगह जैसे कि सड़क पर चलना, पार्क, सफारी पार्क, बीचेस या घर से बाहर वाली जगह शामिल हैं। इस फैसले का तलाक 26 फरवरी 2022 से हो चुका हुआ है। रेजिडेंस का कहना है कि अब हम खुली जगहों पर फ्रेश एयर, ताज़ा हवा ले सकेंगे, आउटडोर में अच्छी इंटरटेनमेंट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।